अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्टार स्ट्रीम। आज हम जिस सेंसर को पढ़ेंगे वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, ये एक तरीके का डिस्टेंस मीटर है। इसमें दो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एक इसका ट्रांसमीटर है और एक इसका रिसीवर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर की टोटल 4 पिन होती है। VCC जो है वो 5 वोल्ट सप्लाई करता है। ट्रिगर पिन इसकी सिग्नल पिन है और इनपुट पिन है। इको जो है वो आउटपुट है और ग्राउंड पर 0 वोल्ट होते हैं। बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है कि ट्रांसमीटर से जो है वो वेव्स जाती हैं, ऑब्जेक्ट को टच करती हैं, वही रिफ्लेक्ट होकर वही वेव्स जो है वो रिसीवर के पास आती हैं। इस तरीके से बहुत इजीली आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसके लिए सर्किट बनाएंगे जो बहुत सिंपल एंड ईजी है। अल्ट्रासोनिक पे इसके पिन जो है नेम्स मेंशन होते हैं। आप VCC को 5 वोल्ट में लगाएंगे, ग्राउंड को ग्राउंड में लगाएंगे, ट्रिगर एंड इको जो है वो डिजिटल पिन्स में आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसके प्रोग्राम के लिए आपने जो है इवेंट से सबसे जो पहला ब्लॉक लेना है वो होगा वेंटलेट। उसके बाद कंट्रोल से आपने लेना है फॉरएवर। डेटा एंड ब्लॉक्स में से आपने जो है वो इसके लिए वेरिएबल बनाना है। मेक अ वेरिएबल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैल्यू के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी और नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। यहाँ से मैं एक ब्लॉक लूंगी सेट वैल्यू। रोबोट से आपने एक ब्लॉक लेना है, वो है आपके पास रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये वेरिएबल जो है जो आपने वैल्यू सेट की है वो आपकी अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू को रीड करेगा। उसके बाद आपने लुक से हेलो का ब्लॉक लेना है और डेटा एंड ब्लॉक से हेलो की जगह आपने वैल्यू लिखना है ताकि आपको ये वैल्यू बताए। इस प्रोग्राम को आपने कनेक्ट करने के बाद पहले आप इसको कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद ये आपको अपलोड नहीं करना, कनेक्ट में जाकर आपने इसे अपग्रेड करना है। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस इस तरीके से चेक कर सकते हो। हेयर इज योर फाइनल रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।